फ्रेंड्स जॉइन मी ऑन एन अनफॉरगेटेबल जर्नी। आज मैं आपको ले जा रही हूँ गोवा, अ लैंड ऑफ सन, सैंड एंड एंडलेस एक्साइटमेंट। द एडवेंचर बिगिंस विद द एंटिसिपेशन ऑफ बोर्डिंग दैट प्लेन। मेरा उत्साह बढ़ता जा रहा है। जैसे ही विमान आकाश में उड़ता है, आप कैबिन में उत्तेजना की तरंग को महसूस कर सकते हैं। गोवा में उतरते ही महसूस होता है कि आपने किसी सुर्खी सपने के पार कदम रखा है। गर्म हवा ने आपको गले से लगाया है, समुद्र की खुशबू ने आत्मा को चूमा है और चारों ओर बिखरी यहाँ की जिंदगी का रोमांच हर कदम पर महसूस होता है। हलचल भरे बाजारों से लेकर शांत समुद्र तटों तक, गोवा का हर कोना एक अद्वितीय कहानी सुनाता है। जब मैं जीवंत सड़कों पर घूम रही हूँ, वहाँ की समृद्ध और समृद्धि से भरी रिच कल्चर मुझे अपनी बाहों में समाहित करती है। गोवा में या कहीं भी जब आप कार या कोई भी वाहन चलाएं, तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। आज हम वागाडोर बीच जा रहे हैं। यह एक तटीय स्वर्ग है जहां समुद्र की लहरों में छिपी शांति और रोमांच की कहानियां सुनी जा सकती हैं। इस यात्रा में मेरे साथ शामिल हों, क्योंकि हम गोवा के सबसे मनोहर समुद्र तटों में से एक की सुंदरता और आकर्षण को खोजेंगे। यहां की प्रॉस्पेरिटी और स्वच्छता ने इसे एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बना दिया है। जैसे जैसे हम वागाडोर के करीब आते हैं, उत्साह की भावना तेज हो जाती है और वातावरण समुद्री हवा की स्फूर्तिदायक खुशबू से भर जाता है। हम खुद को इस रमणीय आश्रय स्थल में डूबा हुआ पाते हैं, जहां हर कदम मनोरम तटीय आकर्षण का एक नया पन्ना खोलता है, जो स्वर्ग मिलने की कहानी बुनता है। सच कहूं तो इसने हमें अपनी शानदार विरासत और समृद्धि से प्रभावित किया है, और यहां चलने से हम शांति और सुकून का एहसास कर रहे हैं। ऐतिहासिक चपोरा किले के सामने स्थित वागाडोर बीच गोवा के रिच अतीत की कहानियों को हमारे सामने प्रकट करता है। यहाँ इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर मिश्रण है, जो आपको एक खूबसूरत यात्रा पर ले जाता है। यहाँ हर एक कोने से आपको उन पुराने समयों की गौरवशाली भूतपूर्वी रूपरेखाएं मिलती हैं, जो आपको गोवा के ऐतिहासिक विकास की दास्तानों में ले जाती हैं। एक्साइटमेंट चाहने वालों को वेगेटर निराश नहीं करता, रोमांच चाहने वाले लोग रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स जैसे पैरासेलिंग, बम्पी राइड, जेट स्कीइंग और बनाना राइड की सवारी का मजा ले सकते हैं। मैंने गोवा की समुद्र तट पर पहली बार बहुत अच्छा महसूस किया। सूरज की किरणों और समुद्र की लहरों दोनों ने एक साथ मेरे मन को शांति और आनंद से भर दिया। मैंने सोने जैसी रेत पर बैठकर आसमान की सुंदरता और समुद्र की धूप छाया का आनंद लिया। गोवा का समुद्र तट मेरे लिए एक यादगार अनुभव बन गया। कियारा ने भी गोवा के बीचेस का अपना पहला अनुभव किया, उसको तो बहुत ही मजा आया। वह खुशी से झिलमिलाते पानी के साथ खेलती रही और समुद्र की लहरों के साथ नाचने का मजा लेती रही। वहां उसको एक प्यारा और नया दोस्त बुजो मिला। वो बुजो के साथ घंटों तक खेलती रही। वो दोनों समुद्र की लहरों के साथ दौड़े और रेत पर मनमोहक खिलवाड़े तैयार की। बुजो की मुस्कान ने उसकी खेलने की खुशी को और भी बढ़ा दिया। जैसे जैसे दिन रात में बदलता है, वेगेटर बीच जीवंत नाइट लाइफ के केंद्र में बदल जाता है। रिदमिक बीट्स और रंग बिरंगी रोशनी के साथ समुद्र तट पर होने वाली पार्टियां जीवंत हो उठती हैं। जब हम वागाडोर के बीचेस को छोड़ रहे होते हैं, तो उस लम्हे में हंसी और समुद्र की शांति आपके साथ हो जाती है। चाहे आपने हल्की लहरों में सांत्वना पाए हो या फिर एक रोमांचकारी स्पोर्ट्स का आनंद लिया हो, इन यादों को समुद्री हवा की तरह रहने दें। हमारे द्वारा साझा किए गए मोमेंट्स को याद करें और जैसा कि हर लहर कहती है, जल्दी वापस आओ। तो इंतजार कीजिए जब तक हम इन रेतीले तटों पर फिर से नहीं मिलते।